Hello and welcome to the mathematics classes, students. Today I'm going to discuss about the class 10th chapter real number exercise 1.2 intro, and this session is presented by me, Ashish Mishra, and I am the ex-faculty of Adda 2 for service, and I am teaching on an academy plus platform for a railway category as a math faculty. So if you want to follow me on an academy plus platform, so you can follow me in railway category, right? So, and if you want to buy the any course on an academy plus platform, so please apply this code to get the 10% off. So don't forget to use my code to get the 10% off. This is my code, SHIVGOVIND 1001-501. After applying this code, you will get the 10% off. ठीक है, आप मेरे को बहुत सारे चीज़ पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी. फेसबुक पे फॉलो करने का मेरा कोड है आशीष कुमार डॉट मिश्रा. ठीक है, 5817. ठीक है, यही मेरा इंस्टा का भी जो है यही आईडी है. अगर आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पे यही आप सर्च करेंगे, मैथमेटिक्स क्लासेस बाय ए के मिश्रा, इसको सर्च करेंगे. सर्च करने के बाद आपको जो है वहाँ पे एक जो है वो ग्रुप मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं. आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं तो किसी का कॉल मैं पिकअप नहीं कर पाता हूँ. तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8603212238. इस नंबर पे व्हाट्सएप करने के बाद आपको जो है जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट होंगे वहाँ पे वो विद इन अ 12 आवर्स आपको क्लियर कर दिए जाएंगे. ठीक है, जैसे भी पॉसिबल होंगे. तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो पार्ट. ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे जो कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, थ्योरम 1.2, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक. इसमें ये बोला गया कि ए बी भी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज. तो यहाँ पे है कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर. ठीक है, कंपोजिट नंबर ये इसलिए लाइनिंग आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने सुबह से दो वीडियो बनाया, तो एक में तो पहला चीज़ की रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं किया था, और दूसरा में ये हो गया कि वॉइस ही नहीं आ रहा था. ठीक है, तो जिसके कारण आज जो है मैं थोड़ा सा दिक्कत बहुत ज़्यादा ही आ गई, तो मैं फिर से पीडीएफ बना लेता लेकिन थोड़ा सा टाइम मेरे पास भी नहीं रह पाता है, तो इसी पे मैं पढ़ा दे रहा हूँ. तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर्स. इसका मतलब ये बोला गया कि कंपोजिट नंबर को जो है अगर उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में, ठीक है, या फिर फैक्टराइज किया जा सकता है, और उसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होता है. अब सबसे पहले बताना समझना ये जरूरी है कि कंपोजिट नंबर होता क्या है. तो वैसी संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं 50, तो 50 जो होता है वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटता है, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, और 50 से भी कटेगा. ये सारी संख्याओं से ये जो है 50 डिविजिबल है, सो यू कैन सी दैट 50 इज ए कंपोजिट नंबर. और जो केवल दो अलग अलग संख्याओं से विभाजित होता है, केवल दो संख्याओं से विभाजित होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर. जैसे कि यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ 2, तो 2 जो है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा. दूसरा 3 के बारे में बात करेंगे, तो 3 जो है वो आपका 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, यही होगा ना. तो सिर्फ जो केवल दो संख्याओं से कटता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, और जो दो से अधिक संख्याओं से कटता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर. ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देता हूँ. ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आई होप आप लोगों को पहले से भी पता होगा, तो फिर भी मैंने रिकॉल करा दिया स्टूडेंट्स. चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट में, तो यहाँ पे 50 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ, तो 50 को फैक्टराइज करने के बाद कितना आएगा, 2 25, फिर 5 × 5, यही आएगा. ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5 × 5, ये फैक्टराइज करने के बाद, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2 × 5 का स्क्वायर. तो ये हो गया आपका फैक्टराइज करने के बाद, ये टर्म आपका आ गया 2 × 5 का स्क्वायर. ठीक है, अब अगर हम लोग आगे बात करें, तो यहाँ पे पहला चीज़ कि ये कंपोजिट नंबर का फैक्टराइज करने के बाद ये जो 2 और 5 आया,
ये जो 2 और 5 आया है क्या ये कंपोजिट नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये क्या है? प्राइम नंबर है। तो कभी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा? प्राइम नंबर आएगा। क्या आएगा? प्राइम नंबर आएगा, कोई भी कंपोजिट नंबर को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो। ठीक है, और ये जो आपका जो प्रोडक्ट जो जो भी आपका सॉल्यूशन आता है फैक्टराइज करने के बाद, वो आपका क्या होता है? यूनिक होता है, ये किसी और संख्या का, किसी और कंपोजिट नंबर का नहीं हो सकता है। ये आपका समझ में आ गया? चलिए, अब इसके बाद एक और चीज़ जो इस एक्सरसाइज के लिए इम्पॉर्टेंट है कि दो संख्याओं का एस सी एफ, अगर दो संख्या ए और बी है उसका एस सी एफ और उसी संख्या का एल सी एम का प्रोडक्ट, वो दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ए इंटू बी, आप इसको लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट भी आप याद रखेंगे क्योंकि इसका यूज इस एक्सरसाइज में होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया। चलिए, अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एक्सरसाइज 1.2 का, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ये है कि आपको जो है यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स बताना है, इसका प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट के रूप में इसको लिखना है। अब सबसे पहले सॉल्यूशन में अब हम लोग चलते हैं, तो सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट का फर्स्ट नंबर मैं देखता हूँ, फर्स्ट का फर्स्ट नंबर में है 140। अब 140 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 140 को फैक्टराइज करने पर कितना आएगा? 2 से 70, फिर 2 से करेंगे तो कितना बार में कटेगा? 35, और फिर 2 से करेंगे तो सॉरी 2 से नहीं कटेगा, 5 से अगर करते हैं तो यहाँ पे कितने बार में कट जाएगा? 7 बार में। तो आपका आ गया 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 का पावर 2 × 5 × 7, एक आंसर ये हो गया पहला का। दूसरा का निकालते हैं हम लोग आंसर, तो दूसरा का आपका जो आंसर आएगा वो हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड नंबर का जो आंसर है वो आपका 156 है। अब 156 का फैक्टराइजेशन करिए, 2 से करेंगे तो 2 × 7 = 14, फिर 2 × 8 = 16, तो यहाँ पे ये आ गया। फिर 2 से करेंगे तो 39, फिर 2 से करेंगे तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे तो 330। तो जब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13, राइट। अब यहाँ पे हो गया 2 का पावर 2 × 3 × 13, समझ में आ गया। तो ये आपका एक आंसर आ गया। तीसरा, अगर हम लोग थर्ड नंबर के बारे में बात करेंगे तो थर्ड नंबर जो है 3825 है। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 3825 को अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं 3825 को, तो 3825 को फैक्टराइजेशन, सबसे पहले 8 × 3 = 11 और 5 × 16 और 2 = 18, मतलब आपका हो गया 7 × 7 = 8 × 7 = 15, ये 3 से कट जाएगा। तो 3 × 3 = 3 और 3 × 3 = 3, फिर यहाँ पे 3 × 2 = 6, फिर यहाँ पे 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15, फिर 3 से काटेंगे 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, फिर यहाँ पे 3 × 5 = 15, फिर 3 से काटेंगे तो 3 से नहीं जाएगा, फिर अब 5 से काटेंगे हम लोग इसको, 5 × 5 = 40 एंड 5 × 5 = 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 से 17 आ गया। फिर इसको करेंगे तो 3 × 3 × 5 × 5 × 17, तो यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट आंसर। बाकी का जो है 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट्स होगा तो आप वहाँ पे बना सकते हैं, मतलब इसी तरीके से आपको क्या करना है इसको लिखना है। तो 5005 का भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 5005 का जो है ये आपके लिए होमवर्क मैं दे देता हूँ, 4 नंबर का, और सेकेंड जो है 5 नंबर का 7429, ये आपका जो है ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग, एंड फिर उसके बाद उसको वेरीफाई भी करना है। चलिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट सेकेंड का। 26 को क्या मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स? और 26 के बारे में अगर बात हो तो 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 13। ठीक है, और जब 91 के बारे में बात हो तो 91 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 × 13। तो जब इसका एस सी एफ अगर मैं निकालता हूँ, एस सी एफ अगर इसका कोई बोले निकालने के लिए 26 और 91 का, तो इसका जो एस सी एफ होगा वो आपका आ जाएगा कितना आएगा स्टूडेंट्स?
13 आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ 13 ही एक ऐसा पार्ट है जो कॉमन है, ठीक है। तो 13 ही एक ऐसा पार्ट है जो दोनों में कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपका जो है 13 ही होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है। अगर एलसीएम के बारे में अगर हम लोग बात करें, एलसीएम, तो एलसीएम में आपका आ जाएगा स्टूडेंट 13 तो आएगा ही, साथ ही साथ आपका 14 भी आ जाएगा, 247। अब आपको दिक्कत परेशानी नहीं हो इसके लिए, मैं 14 को 2×7 लिख देता हूँ, 2×7, नहीं तो आप लोग समझेंगे कि सर 14 कैसे लिख दी। तो 13 × कितना आ गया, 14। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 3 = 42 एंड 14 × 1 = 14 और 4 = 18, तो 182 आ गया। अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब इसको वेरीफाई करना है आपको, वेरीफिकेशन। तो वेरीफिकेशन में आपको ये प्रूव करना है कि HCF अगर A और B है और LCM अगर A और B का हमको पता है तो ये दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो A × B के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई करके निकालिए और ये दोनों का मल्टीप्लाई, अगर दोनों बराबर आ गया तो सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो अब यहाँ पे HCF कितना आया हमारा, 13 आया, LCM कितना आया, 182, और उधर RHS वाला देख लेते हैं, RHS में कितना है आपका, A × B, 26×91। अब यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13×2 = 26, ठीक है, फिर आ गया 6, 2 बचा, 13×8 = 104 और 2 = 106, फिर यहाँ पे बचा 10, 13×13 = 10, 13 और 10 = 23, तो 2366, और जब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 2366। और जब यहाँ पे दोनों बराबर हो गया तो यहाँ पे ये यह वेरीफाई हो गया, यही तो वेरीफाई करना था, ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, इसका भी आपका होमवर्क हो गया, आप इस क्वेश्चन को भी घर से बना कर लाएंगे, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो यहाँ पे आप कर लेंगे। होमवर्क आपका हो गया किसका, सेकेंड का, सेकेंड एंड थर्ड नंबर, ठीक है। आई होप ये सब क्वेश्चन जो है आप लोगों से बन जाना चाहिए। मैं सिर्फ अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ बताते हुए निकल जाता हूँ, फिर उसके बाद आपका जो है जनवरी में मैं क्रैश कोर्स लेकर आऊँगा स्टूडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके हम लोगों को ये ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 12, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन अगर हम लोग इसका अगर फाइंड आउट करते हैं तो सॉल्यूशन में आपका क्या है, 12 है, 12, तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2×2×3, 2×2×3 लिख सकता हूँ, 15। तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 को मैं लिख सकता हूँ 3×5, और मैं 21 को लिख सकता हूँ कितना, 3×7, ये आ जाएगा। और जब मैं इसका HCF निकालूँ तो HCF निकालने का क्या होता है वे, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, HCF निकालने का तरीका क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले HCF निकालने का वे ये होता है, किसका किसका निकालना है हमें, 12, 15 और 21 का, ठीक है। तो कितनी भी संख्या हो जाए, HCF जो तीनों में कॉमन होगा तो उसी को लेते हैं, तो तीनों में कॉमन सिर्फ 3 है। अब दूसरा अगर हम लोग बात करें LCM, HCF के बाद LCM किसका, 12, 15 और 21 का, जो कॉमन होगा उसको तो लिखेंगे ही, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2×2×5×7, 3 कॉमन था तो तीनों के बदले 1 लिखे और बाकी का मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे आ गया 5×5 = 20, 5×5 = 20, 26×6 = 120 एंड 7×8 = 40, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 840, ये आ गया। तो ये आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन था। अब हम लोग सेकेंड नंबर उसी तरीके से कर लेंगे, सेकेंड नंबर में कुछ भी नहीं है, सेकेंड नंबर में सिर्फ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड से ही बनाना है, लेकिन बहुत ईजी है क्योंकि उसमें आपका 1 आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, सबसे पहले क्या है, 17 है, तो 17 को 1×17 लिख सकते हैं। दूसरा है 23, 23 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1×23,
तीसरा है आपका 29, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 29, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले HCF अगर हम लोग निकालते हैं किसका, 17, 23 एंड 29 का, तो 17, 23 एंड 29 का, तो अगर कोई भी संख्या अगर तीनों प्राइम नंबर्स हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि HCF यहाँ पे कुछ नहीं होगा, HCF जीरो हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल जो है सब में वन तो होता ही है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका कितना आ गया, वन आ गया, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका वन आ गया। और इसके बाद जो एलसीएम जो मैं निकालूंगा, एलसीएम जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम 17, 23 एंड 29 का जो होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 17 × 23 × 29, 17 × 23 × 29, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 17 3 जा 51 का 1 5, 17 1 जा 17 2 जा 34 और 5 39, 391 × 29। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 391 × 29 कितना आ जाएगा, तो 9 1 जा 9 का 9, 9 9 जा 81 का 1 8, 9 3 जा 27 और 8 35, फिर 2 में हो गया 2, 9 2 जा 18, कैरी 1 3 2 जा 6 और 1 7 7 82, जब आप जोड़ेंगे तो 9 फिर 3 फिर उसके बाद आ जाएगा 8 5 13 का 3 1 और 7 3 10 और 1 11, 11 3 3 9, ये आपका गया आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से 2 हो गया, थर्ड नंबर को आपका जो है ये होमवर्क हो गया, थर्ड नंबर में आप होमवर्क कर लेंगे, ठीक है। चलिए, होमवर्क मैं इसलिए देता हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि मेरे पढ़ाने के बाद आप घर पे भी पढ़ें, नहीं तो मैं सारा क्वेश्चन तो बता ही देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा ऑफलाइन वाली फीलिंग्स के साथ पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 4 नंबर क्वेश्चन में ये है, 4 नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि गिविन दैट 306 एंड 657 इक्वल टू 9 एंड एलसीएम इक्वल टू 306 एंड 657, तो इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है और एचसीएफ जो है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम लोगों को तो पता है एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी ए कॉमा बी इक्वल टू ए इंटू बी, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे जो है ये क्वेश्चन आपका बनेगा। अब यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि क्या बोल रहे हैं, बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। आप इसका एचसीएफ हम लोग निकालेंगे और ए और बी की जगह पे ये टर्म दिया हुआ है 306,657, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, इंटू एलसीएम 306,657 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 306 × 657। अब यहाँ पे ये करने के बाद ये जो टर्म है आपका आ गया 9 × LCM 306,657 = 306, 657, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया LCM 306,657। अब यहाँ पे देखो कि जब आप इसको 9 से काटोगे तो ये कट जाएगा, 9 9 3 जा 27 और फिर बचा 9 4 जा 36, तो यहाँ पे आ गया आपका 34 × 657। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 657 × 36 सॉरी 34, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 4 जा 28 का 8 2 कैरी 7 5 4 जा 20 एंड 2 22 2 कैरी एंड 7 6 4 जा 24 और 2 26, फिर 7 3 जा 21 का 1 2 कैरी 2 कैरी हो गया, 5 3 जा 15 और 2 17 का 7 फिर हो गया 1 कैरी एंड 6 3 जा 18 और 2 20। नहीं, 18 और 1 19 होगा, सॉरी
अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 3 आपका हो जाएगा 7 6 3 और फिर 9 2 11 और 1 12 का 2 2 2, तो यहाँ पर टोटल आंसर आ जाएगा 2 2 3 3 8। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चंस हो गया यहाँ पे जो है इसका, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे ये बोला जा रहा है, चेक वेदर द 6 n कैन बी एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, तो सबसे पहले एज वी नो डैट, एज वी नो डैट एनी नंबर एंड विथ 0 0 मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल डिविजिबल बाय 10 और 2 and 5। ठीक है, तो 2 and 5 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 into 3 into n, we observe that 5 is not in 5 is not in in the prime factorization prime factorization of 6n, so it is not divisible divisible it is not divisible by 10, hence अतः 6n can't end with digit 0 for any natural number नंबर n। ठीक है, ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 आर द कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर आप लोगों को पता है कि वैसी संख्या को बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि आपका कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स, वैसी संख्या जिसमें जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंपोजिट नंबर क्यों है। तो 7 into 11 into 13 plus 13 है, ठीक है। अगर मैं ये दोनों नंबर में से अगर 13 कॉमन ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 कॉमन लेने के बाद 7 into 11 plus 1 आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 into 77 plus 1 तो कितना आ जाएगा, 13 into 78, ये आ गया। दूसरा जो है आपका जो आएगा नेक्स्ट में जो टर्म आएगा वो आपका आ जाएगा 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1।
5, तो ये जो है ये तो आपका कंपोजिट नंबर हो गया y। आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि y इट इज कंपोजिट नंबर, वी ऑब्जर्व दैट इट इज डिविजिबल बाय 13 एंड 6। यहाँ पे जो है आपका इसमें ये पता चल गया स्टूडेंट कि ये जो है 13, और अगर इसको करेंगे तो ये आपका 13 × 6 से भी डिविजिबल होगा, अगर और तोड़ेंगे तो ये आपका 13 × 13 × 2 × 3, ये देखिए कितनी संख्याओं से विभाजित हो रहा है, 2, 3, 13, तो ये मोर देन 3 फैक्टर्स है, सो वी कैन से दैट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। आप यहाँ पे लिख लेंगे, मैं लिख ही देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखना है आपको। ओके, सो गिवन एक्सप्रेशन सो गिवन एक्सप्रेशन इज हैज 2, 3, 13 फैक्टर्स other than 1, so it is composite। राइट, अब उसी तरीके से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ वो क्या है, 7 × 6 × 5, उसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, और प्लस में है 5, इसमें से भी दोनों में से 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो 5 को कॉमन लेते हैं तो 5 कॉमन लेने के बाद 7 × 6 × 5 नहीं होगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2, और प्लस में आ गया आपका 1। जब आप इसको कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद आपका जो टर्म होगा वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 42, और उधर आ जाएगा 4 × 3 = 12, 2 = 24 प्लस 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 42 × 24 = 5 × 2 = 24 × 48, 2 कैरी 1 एंड 24 × 4 = 96 और 4 = 100, 108 प्लस 1, तो 5 × कितना आ जाएगा, 5 × 1009, ठीक है, तो 1009 आ गया, तो यहाँ पे जो है 1009 जो है वो आपका आगे डिविजिबल नहीं होगा, सो वी कैन से दैट सिंस हम लोग क्या बोलेंगे इसे, सिंस सिंस गिवेन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन हैज 5 and 1009 as a factors other than one, so we can say that it is composite नंबर। राइट, ये हो गया स्टूडेंट्स, तो इसलिए जो है ये आपका कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि ये जो है आपका जो है मोर देन 2 फैक्टर्स इसके हैं। अब अगर हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 1.2 का जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ
अराउंड ऑफ स्पॉट फील्ड. सोनिया टेक 80 मीटर टू ड्राइव. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक कोई रेक्टेंगुलर ये जो है सर्कुलर पाथ है. अच्छे से नहीं बना, फिर से एक बार देख लेते हैं. ये जो है इस तरीके का कोई सर्कुलर पाथ है. इसमें जो है एक लड़की है सोनिया, जो कितना टाइम लेती है, ये 18 मिनट लेती है एक रिवॉल्यूशन में. ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका क्या हो रहा है, रवि जो है वो 12 मिनट लेता है. रवि को जो टोटल टाइम लगता है, रवि एक और लड़का है, रवि उसको टाइम कितना लगता है, रवि जो है उसको टाइम लगता है 12 मिनट. ठीक है, दोनों जो है मान लिया कि दोनों जो है सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, तो कितने मिनट के बाद फिर से वो एक दूसरे के साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रवि जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, सॉरी रवि जो है वो कम टाइम ले रहा है और सोनिया ज़्यादा टाइम ले रही है. तो इस तरीके से फिर से उसी पॉइंट पे मिलेंगे. वो कब मिलेंगे, जब दोनों का जो है मल्टीपल, दोनों का जब सेम होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. तो लोवेस्ट मल्टीपल जब सेम होगा तो मल्टीपल कॉमन मल्टीपल जब सेम आएगा तो, और जो कि सबसे कम होगा. ठीक है, तो इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ तो क्या इसका वैल्यू फाइंड आउट आ जाएगा कि वो कितने देर के बाद मिलेंगे, बिल्कुल पता चल जाएगा. तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे. तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल किसका, सोनिया का और रवि का. सोनिया कितना, 18 मिनट ले रही थी, तो 2 × 3 × 3 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 का पावर 2. ठीक है, इतना लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है. तो 2 × 3 का पावर 2 लिख सकता हूँ. दूसरा सोनिया के अलावा एक और जो है उसका नाम क्या है, रवि. रवि जो है वो कितना ले रहा था, 12 मिनट. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 2 × 3. अब यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था कि एलसीएम जो है वो कैसे निकालते हैं, तो जो दोनों में कॉमन होता है, तो कॉमन होता है अगर दोनों में पावर अगर सेम है तो तब तो एक लिखेंगे, लेकिन अगर दोनों में पावर एक में 2 है और एक में 3 है तो ग्रेटेस्ट पावर वाली संख्या को हम लोग यहाँ पे एलसीएम में लेते हैं. तो सबसे पहले 2 का पावर 2 वाला ले लेंगे, फिर 3 भी दोनों में है लेकिन पावर किसका ग्रेटेस्ट है, सोनिया वाला का, तो 2 का पावर 3 का पावर 2 ले लेंगे. तो 4 × 9 टोटल आ गया 36 मिनट. तो 36 मिनट्स के बाद फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे. ये आपका हो गया कंप्लीट सेशन, जिसमें मैंने डिस्कस किया कि एक्सरसाइज आपका 1.2 का इंट्रो पार्ट भी हो गया और साथ ही साथ इसके जो 7 जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट्स. अगर आपको कोई दिक्कत, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं. जुड़ने के लिए मैंने आपको सारे चीज़ का लिंक बता दिया है और ऐसे मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा. ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो. ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आईडी बता दिया है फेसबुक और इंस्टा का. अगर अनअकैडमी प्लस पे अगर आप किसी भी तरीके के कोर्स को लेना चाहते हैं तो इस कोड को अप्लाई करना नहीं भूलेंगे. ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप मैसेज करके भी जुड़ सकते हैं. और यही नाम से मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो वहाँ पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैथमेटिक्स क्लासेस बाय ए के मिश्रा. और अभी तक स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशंस एंड अपकमिंग कोर्सेज. क्योंकि मैं अभी जो हूँ आप लोगों के लिए, खासकर जो बच्चे 10th और 12th का जो बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए मैं कंप्लीट कोर्स आप लोगों का कंप्लीट कराने वाला हूँ. अब मेरे साथ जुड़िए, और जो बच्चे NDA इस ये जैसे कि कंपटीशन NDA CDS कैट रेलवे बैंक SSC ये सारे एग्जाम के भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा एक और चैनल है जिसपे वो तैयारी कर सकते हैं, उसका नाम है आशीष मैथ. ठीक है, तो उस चैनल का नाम है आशीष मैथ, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा. तो उस चैनल पे आपको
सॉरी, उस चैनल पे मैं आपको ये सारा चीज एनडीए सीडीएस कैट रेलवे बैंक एसएससी का मैथ्स का प्रिपरेशन कराऊंगा, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा लोगों तक हो उतना ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज मेरे पे आ रहा था कि सर आप यूट्यूब पे क्लासेस लेके आ रहे हैं, तो मैं तो जितना हो सकता है मैं सारे लोगों के बीच में आ रहा हूँ, मतलब शेयर कर रहा हूँ, तो साथ ही साथ आप भी शेयर करिए ताकि मैक्सिमम बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन आ जाए कि आशीष सर का क्लास जो है वो यूट्यूब पे भी फ्री में आने लगा है, अब जो है सिर्फ और सिर्फ अन अकेडमी प्लस पे भी नहीं आता है। और साथ ही साथ अब जो क्लासेस जो होगा वो आज से आपका रेगुलर मिलेगा, कारण ये क्योंकि टेक्निकल इशू जो था वो मोस्टली रिजॉल्व हो चुका है, पहले का जो भी टेक्निकल इशू था, राइट। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स।